सो वेलकम है गाइस, आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं बात करूंगा अपने वर्चुअल लाइफ के कंसेप्ट के बारे में। और यहाँ सारी PNG मैंने एक्सपोर्ट कर दी हैं, और थोड़ी देर में ये ग्रुप में आ जाएंगे, आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, और इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। सो प्लीज़ अगर आप इसकी PNG डाउनलोड करते हैं तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विज़िट करें और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इसे बनाने में मुझे टाइम लगा था। और ये PNGs कहीं अवेलेबल नहीं है कि आपको नेट पे जाएंगे आपको नेट पे मिल जाएगी इजीली, तो इन्हें बनाने में टाइम लगा था मुझे। और अगर आपको डाउनलोड नहीं करनी आती है PNGs, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, ब्रांड 1811, हाउ टू एडिट, बहुत सारे मेरे चैनल हैं, लेकिन हाउ टू एडिट है मेरा मेन चैनल। और इसमें दिखा देता हूँ, ये तौकीर भाई के साथ वाली एडिट है, अगर आपने ये नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें मेरे इस चैनल को ये और चीजें सपोर्ट। कंपनी में ही है। सो यहाँ मैंने ये ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है, और यहाँ जैसे आप आएंगे और शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ये रही, तो इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टेलीग्राम का खुलेगा पेज, और यहाँ आपको बोलेगा ओपन इन टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम में डायरेक्ट सारी PNG यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज़ आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करते रह जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप यहाँ आके ज़रूर देख सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड करें हर चीज़ को, और मेरे पेज को ज़रूर सपोर्ट करें यार। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी कर दो उसको 10,000 सब्सक्राइबर, और क्योंकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा, और कोलैब भी आएंगे इन फ्यूचर बहुत लोगों के। और कुछ टाइम बाद मैं एक होस्ट करूँगा एडिटिंग कंपटीशन भी, जिसमें आप सब पार्ट ले सकते हैं, और इजीली आपको समझ में भी आएगा कि कैसे कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने स्किल्स को। तो ज़्यादा बात ना करते हुए यार ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा है, एक BG है जो मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप में आपके लिए, unsplash.com से है ये। मैं कहीं और से बैकग्राउंड नहीं उठाता हूँ, चाहे कोई भी अदर साइट्स हो, क्योंकि अनस्प्लैश पे आपको कॉपीराइट फ्री सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए आप अनस्प्लैश यूज़ करें, और मैं भी वही यूज़ करता हूँ। मेरे से बार बार ना पूछे कि मैं वॉलपेपर PNGs कहाँ से निकालता हूँ, PNGs मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं खुद की क्रिएटेड PNGs करता हूँ, कहीं से कट करके उन्हें मॉड करके फिर बनाता हूँ, मैं PNGs ऐसे यूज़ नहीं करता। उसके बाद मैंने अपने आप को इम्पोर्ट कराया जस्ट सिंपल, और यहाँ मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो ये चेयर मैंने इतनी कट नहीं करी है सही से, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मेरा कॉलर आना है, इसलिए मैंने वहीं वहीं तक कटिंग दे रखी है जहाँ तक आना होता है। और कटिंग लेने के लिए सबसे बढ़िया मैजिक वैंड टूल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड इससे मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है पहले से ही, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आपको रिम लाइट ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका ट्यूटोरियल है, एस्पियन आर्ट की तरह आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं रिम लाइट, वो मैंने बहुत पहले ट्यूटोरियल बना रखा था। आप लोग पहले की चीज़ों को नहीं देखते हैं मेरे चैनल की, इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाता होगा थोड़ा, वो पूरा थॉरो ट्यूटोरियल है, उसमें कोई वॉइस ओवर इतना नहीं है, सीधा सीधा ड्राइंग है। ठीक है, तो यहाँ सबसे एंड पहली चीज़ क्या थी कि मुझे आर्मर क्रिएट करना था अपने बॉडी के अराउंड पे, कि अगर मुझे साइबर पंक वाला लुक चाहिए तो आर्मर होना चाहिए। तो आर्मर मैंने एक रोबोट का उठाया था और जस्ट उसे मास्क कर रखा है अच्छे से, और कुछ नहीं करा है, इतना सिंपल, जस्ट उसे मास्क कर दिया बॉडी के अराउंड पे फिट, और ये सही लग रहा था, लुक गुड लग रहा था मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ कॉलर यूज़ करा है जो 2077 साइबर पंक गेम का है, एक ओल्ड मैन टाइप सा है उसका कॉलर है, ये मेन साइबर पंक वाले का नहीं है कॉलर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर कलर लुकअप डाला था, और वो भी सिंपल कलर लुकअप है यहाँ पे नाइट फ्रॉम डे। तो अब आप एक चीज़ को यहाँ समझिए, जब आप किसी भी ट्यूटोरियल को गो थ्रू करते हैं तो आप देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रखी हैं और ख़ुद क्रिएट करने की करी है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बना के दिखाऊंगा, तो इसमें मेरा टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही होगा और आपका भी ज़्यादा होगा, आप लंबे ट्यूटोरियल्स वॉच नहीं करेंगे, मेनली नहीं वॉच होते हैं। और यहाँ पे जब आप कलर लुकअप
डाल देंगे नाइट फ्रॉम डे। तो यहाँ इसका लॉजिक ये था कि मुझे सारी चीज़ों को ब्राइटन डाउन करना था, तो इसलिए मैंने डाला। और पूरा भी नहीं, ओपेसिटी कम रखी है मैंने, 32 तक रखी है, अगर फुल रखता तो ऐसा दिखता, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधा आई है, और ये PNG है, कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड में डालना है आपने, और आपका ये स्पेक्स रेडी हो जाएगा, और आपको कोई इतनी मेहनत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ब्लेंड हो रखा है, और मैंने सारी लाइटनिंग भी क्रिएट कर रखी है कि आप जब आई के ऊपर रखेंगे ना तो ये अपने आप इजीली ब्लेंड हो जाएगा, वहाँ पे आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और उसके बाद यहाँ पे इजीली आप ये PNG इम्पोर्ट कर सकते हैं जो मैं देने वाला हूँ। सो इसको डायरेक्ट आप इसी के ऊपर डालेंगे, मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ मार्क, और ये आपको डायरेक्ट डाल देनी है, और डायरेक्ट ये सारी चीज़ें जाएंगी अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने एक पैनल डाल रखा है सम साईफाई लुक के लिए, और इजली यहाँ तक तो आप कर लेंगे। और उसके बाद ये रिम लाइटनिंग ड्रॉ है, और फिर कलर ग्रेड है CC, और उसके बाद मैंने अपना लोगो डाल रखा है। सो सिंपल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इन शॉर्ट बताऊँ तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस ट्यूटोरियल में। और ये इसके सारे हैं वर्चुअल लाइफ के जितने भी होते हैं, ये आपके मार्क्स हो गए, ये कॉलर PNG है, बैकग्राउंड, और ये हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। और वो बेन कंसेप्ट की फॉग नहीं थी तो फॉग भी अपलोड कर देता हूँ मैं। फॉग बीन कंसेप्ट, सो यहाँ फॉग भी अपलोड हो रही है। और ये वर्चुअल साइबर पंक है, सो ये भी अपलोड कर देता हूँ मैं। इसमें सारी PNGs होंगी आपकी, कॉलर वॉलर, और ये आई जी की, और ये मैंने सिर्फ पहले से इसमें हेयर्स भी ऐड कर रखे हैं कि आपको ब्लेंड करने की मुश्किल ना हो जाए।